प्रेम से बोलिए माता भगवती की जय। प्रेम से बोलिए श्री दाता धर्मराज भगवान की जय। मैया सरस्वती महारानी की जय। अपन अपन गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री सीता राम की जय। कर्म दिया भगवान सिया बर राम चंद्र शंकर जी भयो। श्रोता भगवान, सबसे पहले एक माँ भगवती के झूमर से प्रस्तुति कैल ले जा रहल छी। जी गलती को गलती हेतु अपने बालक जैन के क्षमा करबे। प्रेम से बोलियो माता भगवती आनिमिया के गछिया कैया बाबूसा झूला बा लगल कैया बाबूसा झूले लागल सातो बहिन भगवती हे सीतेपुरी मैयो। Oh!
सब ये माँ भवानी आयो नीम के पैर के डाली में झूला लगा दिलखिन ये सातो माँ भगवती बहन सहोदर झूला झूले ले बैस गेलखिन झूला झूलत झूलत माँ के पानी के प्यास लग गए त्रास लग गए सातो माँ सातो बहिन माँ भगवती आपस में विचार कल के कहल के बहन चला चला पानी के उद्देश्य खोज ले छे एक चुरु पानी पी लब हे एक तेसर धाब मालिन के दुआ शीतल बूढ़ी मैयो भगवान हंस के बीच में मैथिली भगत प्रसंग भाग एक गुरु महाराज बाबा श्री वीरेंद्र पंजियार मुलगेन बाबू के सोजन में ग्राम बंचल्हा निवासी और हमारे साथी सहयोगी हारमोनियम पर प्रसंगत करने वाले हैं श्री दुखभंजन यादव ग्राम बंचल्हा बेंजो मास्टर श्री दिनेश कुमार भारती ग्राम रामनगर निवासी नाल प्रसंगत करने वाले हमारे भाई उदय कुमार भारती ग्राम पोस्ट भत्रंधा पैड प्रसंगत करने वाले भाई मुरलीधर जी कुर्सेला कटिहार निवासी और साथ में सहयोगी भाई छोटे नाल मास्टर नरेश कुमार ग्राम पथरहा और हमारे कोरस गायक शंभू जी बरेल के रहने वाले हैं और देवचंद यादव ग्राम पथरहा निवासी और मैं गायक श्री मनोज कुमार भारती ग्राम पथरहा की ओर से थाना घेलाज जिला मधेपुरा और अपने साथी सहयोगी के साथ मैं यह भगत प्रसंग को सर संगम स्टूडियो के माध्यम से गाने के लिए जा रहा हूँ आए कधा धाबा ने दो सारा बाए बाबू सा
संगत करने वाले अवरेंद्र भाई ग्राम बंजोहा निवासी, जय हो जय हो। शिमैया जगत जननी हो श्रोता भगवान, आयो मालिन के द्वार पहुंचे छे, जोर जोर से आवाज दे छे कहल के मालिन घर छ, घर से बाहर हुआ एक चिरूप जल पियादा आत्मा व्याकुलिय जल के बिना। मालिन के बेटी घर से बाहर भेले, सातो बहिन भगवती के देखे छे साक्षात प्रकट छे। हे यौ श्रोता भगवान, मैया जवाब कर छे कहल के मालिन एक चिरु पानी पिला दा। माता के वचन सुन के मालिन जवाब दे छे, हे कुइया नहीं छे जलवा, पानिया ये पिला ये शीतल बूढ़ी मैयो, के नहा में पानिया ये पिला ये शीतल बूढ़ी मैयो। बोलिए माता भगवती की जय। हंस के बीच राजा चंद्रवली प्रसंग भाग एक अहां सबके बीच में प्रस्तुत करे ले जा रहल छी। जे गलती हेते अपने बालक जैन के क्षमा करबे। एक बेर प्रेम से बोलिए दाता धर्मराज भगवान की जय। हे सुनु सुनु बाबू भाई सुनियो, हे सुनो सुनो बाबू भैया सुनियो, माता बहिन ये बिहार के सुनियो। ई मालिक छल गढ़िया छिए, ई मालिक यन रुपिया छिए। Thank you.
नाथ छी, भगवती के बस मालिक बस गौरवी के गौरव तेरिए पल में पड़ल बिताए बाबा थकना पथ ठाकुर जी दुनिया संसार में जे जरा सा भी गौरवी करे छे गौरवी के गौरव मालिक तोड़ दे छे। एक समय के बात छे ज्योति बाबा के धर्म के पनियारी गोसे बाबा बना लल के जरा सा गौरवी कल के मेहमान कल के गुरबी के तोड़ दल के लिखिए बाबा ये देवे कलक केंदली हो बन जंगल लिखल ज्योति बाबा के कंचन कया तेरे कोरिया कुष्टि निर्म बाबा क्या दल के ज्योति बाबू सन भक्त के धर्मराज बाबा ने बक्सलखिन ये अहाँ के हमरा केना बकसते हे श्रोता भगवान। एक घड़ी आधो में पुण्यात तुलसी संघत साध के हरेक रोट अपराध सरकार जरूर छे नहीं एक घड़ी नहीं आध घड़ी एक को आध मिनट जरूर समय देना चाहिए धर्म स्थान में और बाबा की भक्ति करना चाहिए। प्रेम से बोले श्री दाता धर्मराज की। हे श्रोता भगवान देखियो मालिक राजा चंद्रवली के आयो जे समय में राजा चंद्रवली मालिक के चूक में चीक गिल रहे 12 वर्ष लाके जे राजा चंद्रवली के अछमितपुर नगरी में कोनो धन संपत्ति के कमी नहीं रहे ने वहाँ लटारी ने हाथी हसार ने घोड़ा घरसार सोना चांदी महल अटारी कोई चीज के कमी नहीं रहे। हे यो बाबू सा विपद के समय में मालिक ज्योति बाबा के अछमितपुर नगरी राजा चंद्रवली की दरवाजा पर पानी की आस लाके भेजल राजा
राजा रानी दुनू मिल के आयो दुनू प्राणी मिल के गुरु बाबा के सेवा कल के ओए कोरिया तन देख राजा चंद्र बली ओ जरा सब ही ने निर्घिन मैंने हृदय लगा के गुरु के सेवा कल के राजा के सेवा देख हे बाबू सब ओ गुरु बाबा बेभोर नींद में राजा की लाली सेज पलंग पर सुत रहल जय हो नहीं गुरु बाबा के जल के याद रहले ने अन्न के याद रहले जो नींद खुले छे राजा के कहलखिन है जे हो राजा मालिक हमरा कंचन काया तोड़ कोरिया कुष्टि निर्वाण क्या के 12 बरस के लिखनी लिखने छे केंदली वन जंगल के हमें तो सुरता भुला गेली नहीं रहवा राजा अब हमरा ज्यादा रानी सुनल के दरबार बार नहीं एल गुरु बाबा के चरण में गिर गए सरकारी अपने जाए नागरिक समाज के लोग सब हमरा उलहन उपराग दे बाधी बाधी कह के पुकार करे छे और निपुत्र के राज कह के सरकार राज से चल जाए छे हे श्रोता भगवान वही समय में गुरु ज्योतिष महाराज राजा चंद्रवली के बाक दल के रहे और बाक दल के रहे गुरु महाराज अपन पहचान कल के हे राजा तोरा पुत्र हेता तो वही पुत्र के नेते लाभ अखनी तोरा हम खसी उकरा गला में रेशम धाग बहन दिछिया और जे समय में हम वापस आए हे राजा चंद्रवली अगर तोरा पुत्र भा जेता तो वो दिन राजा चंद्रवली आब के तोर ऐ खस्सी के सुसार हम लगाब सरकार आय देखियो राजा चंद्रवली वही गुरु बाबा के बाक दिल राजा चंद्रवली के 5 गो बेटा भेले ई धर्मराज बाबा 5ो बेटा खसी मांगे के लिए राजा चंद्रवली से नहीं दल के श्राप दा दल के 5ो बेटा मिल गए जत्ते धन संपत्ति रहे धर्म के छापा मार दल के सब अलपित भाग गेले ने राजा के खाए के खर्ची घर में रहले नहीं सुतैले एक कोटा बिस्तारा घर में रहले कोनो चीज नहीं रहले राजा से भिखारी भाग ले राजा चंद्रवली याय गुरु के याद ओ रानी के पेर गले खसी के व्यवहार देखे छे खसी के गला में जे रे समधा गुरु महाराज बांधने गेल रहे से टूट गले जवान खसी के रीत या नरीत देख हे श्रोता भगवान रानी के दिल में धीरज नहीं बांधल रहल जाए छे आते लोटी आका नहीं हो
समा बाबा हे कानै छैया छमीता चंद्रावती लोट लोट के कानै छे राजा सुनै छै दरबर मारने ये ले कहल के रानी हाथ की आये Oh
पहले हमरा बता दियो या हे श्रोता भगवान रानी कहे छे स्वामी बेटा मर गेल तेकर सोग नै हे छे स्वामी लेकिन गुरु महाराज के नेतल खसी पांचो छे खन खसी बुढ़ा खन खसी बेदरा आत खसी आके सोगना रानी कानी
राजा के कलेवर भांगे छे। हे श्रोता भगवान, राजा कहै छै जियो रानी, गुरु महाराज केंदली वन जंगल गेल छ, गुरु के बाघ सिंह सदु कोनो जानवर केंदली वन जंगल बहुत भयावह जंगल ये। गुरु महाराज जिंदा छा कि नहीं छा? कि गुरु महाराज मर गेले कि बाघ सिंह सियार सदुल जानवर कोनो खा गेले? कि गुरु बाबा दिघरा के भीर बनले बनले यो? हे बाबू साहब, स्वामी बचन सीन रानी कहै छै, हे स्वामी नाथ, जहि कुल में भक्ता है छे वही कुल में जरूर छे भक्ता के बालो बच्चा जरूर छे जे है छे जरूर छे। गुरु अगर ये ते पहुंचल गुरु महाराज रहे भक्त रहे तो जरूर ओकरा कुल खानदान में कोई भक्ता पंजार भेल हेते। हे श्रोता भगवान, भगवान रानी कहे छे स्वामी तुलसी के दल ला लियो, जल्दी चल जाओ गुरु महाराज के घर पर, नगर पोपी पूर्वस्ती गुरु महाराज के कुलखानदान में तुलसी के दलहकार दे के केकरो बजाय आनो, खसी के सुसार लगा देवे। रानी बचन सीन के राजा चंद्रवली तुलसी के दल लै लल के, फाटल पुरान जे वस्त्र पहनने रहे आ बारह वर्ष से बिना अन्न बिना जल के दुनू जीव जे रहे सुखा के झरना बन गेल रहे। हाथ के ठगनी लै लल के आते टू घाराल Yeah।
राजा चंद्रवली हाथी के ठगनी के लाक तुलसी दल के छरी में बन के आते ये कायो तेसर धाव जुमे छे अश्मितपुर के सिवान पर ही राजा के जहिना सरकार सावन भादो के मास में धूप उगे है सूर्य भगवान उदय है ये हिरोदा राजा के बर्दाश्त नहीं जाए छे हे बाबू साहब राजा सिवान पर कट जाके छाह में जाके बैठ जाए छे आंसू बहावै छे गुरु महाराज के कते खोजे जा ता तक में देखियो धर्मराज बाबा अंतर्यामी मालिक महावीर जी दुनु मूर्ति महात्मा ज्योति बाबा के हेलो चदहो पथ सिर पर निर्वाण क्या के पांच रंग के अरहुल फूल निर्वाण क्या कमल फूल निर्वाण क्या आग पान के भार दाय कंधा पर आगा पीछा करने आवे छे आत घारी हे यो छाल में हे समाज बाबा घारी यही यो छाल में आप पहुंच गे गुरु बाबा हे मलैया चमीता हे योसी माँ जय हो आ
धर्मराज बाबा, एगो भिखारी के देखे छी, हमरा एक बात के याद आवे ये कहल के कौन चीज के याद कौन यो जे समय में गुरु महाराज अहाँ दिन हमर कुदीन कह देने रहिए, कंचन कया तोड़ कोढ़िया कुष्ठ निर्वाण कह देने रहिए। ओहि समय में राजा चंद्रबलि के द्वार पर गेल रहिए, बहुत सेवा कलके, राजा के झूठे बाग दे के लिए तेरा एक प्रेम में पांच गो बेटा है ता राजा। गुरु महाराज जा दियो हमरा पहले राजा चंद्रबलि सेवक के भेंट क्या लिए, झूठे बाग दलिए पूरा भले कि नहीं भले। कहल के हे भक्त ज्योति बाबू लेट नहीं करियो, जाए आदेश दे तू जा। ज्योति बाबा भिखारी के जोर जोर से आवाज दे छे, कहल के हे हो भिखारी एक बेर इन्हें ना मैं एम्हर आबो। कहल के भिखारी एक बेर एम्हर आबो। भिखारी आबि के खार भेले गुरु महाराज के देखे छे, दिनू कल जोड़ के गुरु बाबा। राजा चंद्रबलि गुरु के प्रणाम करे छे, हे बाबू साहब। राजा चंद्रबलि गुरु बाबा के कहे छे, गुरु बाबा की बात रहे की कहे छे। कहल के बाबू एगो बात प्रेम से पूछे छे, तू बता दी हो। कहल के बाबा पूछियो, यही अछमी तपूर नगरी में। बहुत राजा महाराजा प्रतापी राजा रहे, राजा चंद्रबलि नाम रहे। वही राजा धर्मतम के नाम कहियो। समाचार कहो ठीक छे। जहिना राजा सुनई छई, गुरु बाबा से जवाब करे छे, कहल के बाबा अपने राजा चंद्रबलि के केना पहचाने छे। केना यो जे राजा चंद्रबलि अछमी तपूर नगरी में पापी, हुए पापी सन के निदान पापी दुनिया में के तो नहीं है। अहां जे राजा के नाम ले छे, वो राजा हम ही राजा चंद्रबलि छे हो गुरु बाबा। बाबा हो गुरु महाराज कहे छे, हे हो राजा चंद्रबलि, अरे तू तो राजा महाराजा रहो लेकिन तोहरी दुर्दशा के कलका हो बाबू राजा। राजा चंद्रबलि कहे छे, गुरु महाराज अपने अपन परिचय दियो। गुरु महाराज कोढ़िया कुष्ठ लैके केंदली वन जंगल गले, लेकिन यहाँ गुरु महाराज छे कंचन शरीर देखे छे। कहल के राजा गुरु के कौल पूरा गलिए, गुरु के कौल पूरा भै गले। हे राजा चंद्रबलि,
आई फिर वह शरीर घुरा के गुरु बाबा ये हमरा निर्माण कै दल ये कहे नहीं हेत विश्वास सरकार अपने हमरा ऊ रूप पहले देखाबियो न माया के मालिक विस्तार कह दे छे भक्त ज्योति बाबू कोरिया रूप देखा दे छे राजा के विश्वास है छे लोट लोट के काने छे जार बेजार गुरु बाबा के भैर पांच के पकड़ ले छे गुरु बाबा के कहे छे सरकार चलू चलू घड़ी क्षण पलक में कुछ देर में राजा अपना दरवाजा पर पहुंचे रानी देखे छे राजा के गुरु महाराज के दरबार मारने गेले गुरु बाबा के चरण में गिर गेले आते लोटी बेटा तोहर मर गेला पांचो बेटा के जिंदा क्या दवाया जा तुलसी के दल हकार ला के अछमीतपुर नगर सर समाज के बजाया न आंगन में गजमोती चौका चंदन लगा दो पांचो बेटा के धर्म के गोबर से निकाल के चौका पर सुला दो राजा तुलसी के दल ला के सर समाज के बुलावे चल गए रानी तेजी से घर आंगन क्या के गजमोती चौका आंगन में लगा दिल के पांचों बेटा के निकाल के चौका पर सुला दिल के सर समाज राजा के संगे साथ चले ले गुरु महाराज जाके हे बाबू साहब करिया कमल के आसन लगा दिल के गुरु महाराज जाके आसन पर बैस गेले सर समाज बाबा से कल जोड़ के जवाब कर छे गुरु बाबा आ राजा चंद्रवली सत्यवादी के पांचों बेटा मरल छे पांचों बेटा के जिंदा कह देवे एक बेर अहाँ सब जोर से आवाज लगा दियो प्रेम से बोलियो श्री देव दाता धर्मराज की हे बाबू साहब गुरु महाराज कमंडल से जल निकाल के छिड़का दे छे पांचों बेटा उठ के जिंदा भा जाए छे आ तले भी ए राजा रानी
दोसर भाग आप दोसर भाग में सुना आप यहाँ से भगत प्रसंग समाप्त है। ये प्रेम से बोले श्री देवदाता धर्मराज भगवान की।